नमस्ते किचन क्वीन, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बटर पाव भाजी। आप इसमें चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ हमें लेना है 5 उबले आलू। ये बड़े साइज़ के आलू है, इसे हमने अच्छे से धो के उबाल लिया है। 1 कप हमने ली है कॉलीफ्लावर और 1 कप ली है ग्रीन पीस, तो दोनों को हमने अच्छे से धो के बॉईल कर लिया है। यहाँ हमने लिए है 4 टमाटर, इसे भी हमने धो के बारीक चॉप कर लिया है। 5 ओनियन, जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ बड़े साइज़ के 1 शिमला मिर्च ली है, उसे हमने बारीक बारीक इस तरह कट कर ली है। और कटा हरा धनिया लेना है। 3 टेबलस्पून बटर, हम बटर और ऑयल दोनों यूज़ करने वाले हैं। 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून हमें चाहिए, 1.5 से 2 टेबलस्पून हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, या आप कम या ज़्यादा आपके हिसाब से कर सकते हो, नमक स्वादानुसार। यहाँ हमने रेड ऑरेंज फूड कलर लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ हमें लिया है 2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला, 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून हमने लिया है टोमेटो सॉस। यहाँ हमने एक बर्तन रख दिया है, अभी हम इसमें डालेंगे बटर और हमें इसके साथ डालना है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल हमें इसलिए डालना है ताकि बटर हमारा काला ना पड़े, बटर हमें मेल्ट होने देना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उसे हमें थोड़ी देर कुक करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ओनियन, जो हमने बारीक कट करके रखा है, और उसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है। ओनियन हमारे हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हमने कच्ची ही यूज़ की है, तो हमें उसे ओनियन और टमाटर के साथ पकाना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे नमक, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे हम टमाटर अच्छे गलने तक हम इसे स्लो आंच पे पकने देंगे। टमाटर हमारे गल चुके हैं, आप देख सकते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, पाव भाजी मसाला, हल्दी और रेड ऑरेंज फूड कलर। ये ऑप्शनल है, मैंने पहले भी बताया, लेकिन रेस्टोरेंट में जो पाव भाजी मिलती है उसमें ये यूज़ किया जाता है, तो इससे इसका कलर बहुत बढ़िया आता है। एक बार हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम डालेंगे फ्लावर और पीस जो हमने बॉईल करके रखे हैं, और उसे हमें स्मैशर से स्मैश कर लेना है इस तरह। इस तरह हमने इसे अच्छे से स्मैश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू, ये हमें हाथ से ही इस तरह क्रश करके डालना है। आलू हमने डाल दिए हैं, अब हम इसे मिक्स कर लेना है। इसमें हम डालेंगे टमाटो सॉस, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे बच्चों को पाव भाजी का जो स्वाद है वो ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसे हमें कम या ज़्यादा आप आपके हिसाब से इसे डाल सकते हो। और थोड़ा सा उसमें डालना है हमें कटा हरा धनिया। सब हमने अच्छे से मिला लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। और एक बार इसे अच्छे से मिला के हमें इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकने देना है। इसे रखे हमें 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम एक बार चेक कर लेंगे। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो भाजी का कलर कितना प्यारा आया है। इसके साथ हम इसमें
थोड़ा सा डालेंगे कटा हरा धनिया और इसे मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। इस तरह हमारी पाव भाजी बनके रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।